स्वागत करते हैं आपका गढ़ में शाह इस खास पेशकश में। जी हां, आज छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरे के संदर्भ में ये बड़ी खबर आई है। रायपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। भाजपा नेताओं ने इनका स्वागत किया है। भिलाई पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे अमित शाह। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। दुर्ग में जनसभा को संबोधित भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह कल दुर्ग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। शाह की सभा में 500 से अधिक जवान तैनात हैं। 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और रूट चार्ट तैयार है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि उनके भाषण से कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, जनता रिचार्ज होगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, उमंग आएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत महत्वपूर्ण है चुनावी लिहाज से। 2023 में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। ऐसी स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, जो कि संगठन स्तर पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। संगठन की अगर बात की जाए, सबसे लोकप्रिय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसा कहा जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही पार्टी की रणनीति में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। भले ही अध्यक्ष कोई और हो या अन्य विभाग किसी और को दिए हो, लेकिन अमित शाह की अलग ही मान्यता है पार्टी में, अलग ही स्वीकार्यता है। किले के भेजने का तो इंतजार किए चुनाव तक, लेकिन निश्चित रूप से किला भेजने वाला है ये पार्टी, जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार। ये देख लिया ना आप, क्या आप देखो इंतजार करो कार्यक्रम तक की। साफ तौर पर पूरी तैयारी कर ली गई है और हैदन और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आनंद नारायण ओझा। आनंद, आपकी बात हुई खुद ओम प्रकाश माथुर से और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई? देखिए, अभी अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भिलाई पहुंच चुके हैं, भिलाई निवास में भोजन कर रहे हैं और उसके बाद कुछ मिनटों ही बाद वो पद्मश्री उषा बारले, जो कि मुख्य कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है, एक तो वहां पर जहां जनसभा होनी है वही पद्मश्री उषा बारले से यहां पर मुलाकात होनी है। पद्मश्री मिलने के बाद जब दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई उषा बारले से, उन्होंने कहा था कि मैं आपके घर आऊंगा, जिस वादे को उन्होंने पूरा किया। और सेक्टर जो उनके सड़क 9 नंबर मकान है वहां पर वो आ रहे हैं और इस दौरान हो सकता है 7 मिनट की चर्चा होगी। ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक रणनीतिक चर्चा भी होनी है, क्योंकि अहिवारा विधानसभा सीट एससी विधानसभा सीट है और उषा बारले एससी से आती है, एक साफ छवि की महिला को भी आवश्यकता है। भले उषा बारले चाहे रणनीतिक के जो लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग, वो इस मामले को इनकार कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह आते हैं तो ये कहा जाता है कि वो मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के। तो वो आते हैं तो एक साथ कई निशाने साधते हैं, तो ये हो सकता है कि वो मुलाकात के बहाने कोई और चर्चा हो, उसके बाद जाकर मंच पर वो तमाम जो घोषणाएं हैं केंद्र की वो करेंगे। कैसे, मतलब वो घोषणाओं के बीच अच्छा कार्य हो रहा है और राज्य सरकार उस कार्यों को क्रियान्वयन नहीं होने दे रही है। आपने पहले ओम माथुर को भी अपने आईएनएस के माध्यम से दर्शकों ने सुना कि कैसे ओम माथुर ये बता रहे हैं कि हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से ये बता रहे हैं कि आप ऐसे इस माध्यम से बीजेपी जुड़ सकते हैं, विकास का जुड़ सकते हैं और अपना विकास और साथ में राज्य का विकास इस माध्यम से होगा। अगर यहाँ पर राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो डबल इंजन की सरकार, जैसे यूपी में विकास हो रहा, अन्य राज्यों में जहां सरकार वहां विकास हो रहा, यहाँ फिर से विकास गति तेज होगा। जी, तो अमित शाह यहाँ पर कुछ अमित शाह बता रहे हैं। आनंद, एक बात और जानना चाहूंगा, भिलाई को ही चयनित करने की क्या वजह है? बस्तर एक महत्वपूर्ण है, इस वक्त अगर भिलाई को चयनित किया जा रहा है तो क्या भिलाई से आगाज करके बस्तर की तरफ कूच किया जाएगा? इस संदर्भ में भी कुछ रणनीति निकल कर आई है भारतीय जनता पार्टी की। भिलाई दुर्ग जिले का एक हिस्सा है, दुर्ग का अपने आप में शाब्दिकगढ़ किला होता है, तो जो कांग्रेस का किला है, पहले भी मुख्यमंत्री साहब आए थे, प्रदेश प्रभारी उनकी कुमारी शैलजा आई थी, तो उन्होंने कहा था कि दुर्ग का जो अभेद किला है वो बीजेपी उसको भेद नहीं सकती है, मतलब अभेदन है उनके, मतलब कहीं ना कहीं भेदना उनके लिए मुश्किल है। तो उस किले को भेदने के लिए कहीं ना कहीं उस चैलेंज को स्वीकार कर
और दुर्ग में मुख्यमंत्री का घर आता है, दुर्ग जिले में ही गृह मंत्री साहब है, कृषि मंत्री है, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री दर्जा है, संभाग की बात की जाए तो बहुत सारे मंत्री आते हैं। तो इस दुर्ग के आने से और संभाग स्तर के कार्यकर्ता और लोग आ रहे हैं, उस जो किले को भेदन करना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और महत्वपूर्ण किले को भेद करना। आनंद, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे नए अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़, दुर्ग सभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में शाह की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चार लेयर्स में सिक्योरिटी दी गई है।